अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर टुडे वी विल रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, द सेकेंड हाफ ऑफ द स्टोरी. द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ हु विल बी द किंग. ओके, एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, दिस पोइम इज सॉरी दिस लेसन इज अबाउट द कॉम्पिटिशन बिटवीन वेजिटेबल्स हु वॉन्ट टू बी द किंग. ओके, एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स. पम्पकिन इज हेयर, पोटैटो इज हेयर, कैरेट इज हेयर, this tomato is here. Okay, everybody wants to be the king. So they set off a meeting for the purpose that who will be the king. Actually, it in this meeting they want to finalize the king of the vegetables. Okay, so in this meeting everybody was presenting their own viewers, they present the arguments, they present the opinions to be the king, why they actually want to be the king. Okay, so in order to be elected for the this position, they start fighting with each other. Okay, so everyone was busy in this fight, and in the previous lecture we already read some of the vegetables, what they told in this meeting. Okay, how they present their opinions for the king position. लाइक ब्रिंजल ने कहा कि मुझे ही किंग बनना चाहिए. एंड पोटैटो, वॉट हीज पोटैटो सेट, पोटैटो सेट देयर आर लॉट ऑफ आइज ऑन माई बॉडी, सो आई कैन सिक्रूटनाइज, आई कैन वॉच एवरी पीपल एंड एवरी बडी इन द वर्ल्ड, सो आई शुड बी द किंग. बट द चिली ओपोज हिम एंड सेड नो, दिस इज नॉट द राइट क्वालिटी टू बी द किंग. एक्चुअली हर कोई इंसान जो है, हर कोई जो है अपने बादशाह से डरनी चाहिए, दैट शुड बी स्केयर्ड टू देयर किंग. सो आई हैव दिस टाइप ऑफ क्वालिटी, नोबडी हैज डेयर टू बाइट मी और टू ईट मी, सो दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी कि मुझे ही किंग बनना चाहिए. ओके, व्हाट हैपन देन, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ. ठीक है, व्हाट सडनली देयर वॉज अ थर्ड, the huge yellow pumpkin steepled into the center and boomed, can anyone of you lift me. तो उसके बाद क्या है, पम्पकिन आ गए. ठीक है, कम ट्राई, ही सेड पफिंग अप हिज चेस्ट प्राउडली, अ किंग नीड्स पावर एंड आई हैव इट, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट हियर, सो आई शुड बी योर किंग. सडनली क्या हुआ, पम्पकिन आ गए, तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे ही किंग बनना चाहिए, क्या आप में किसी में हिम्मत है कि मुझे उठा सकें. नो, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वेजिटेबल अमंग यू, सो आई शुड बी द किंग. ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल जो है मोटे होते हैं ना, भारी होते हैं, सो देयर इज़ नो वन हु कैन लिफ्ट अप दिस पम्पकिन, सो दैट्स वाई पम्पकिन वॉन्ट्स दैट ही शुड बी द किंग. बाकी ने क्या कहा, लाइक टोमेटो थे, पीज थे, अनियन था, उन्होंने क्या कहा, वन बाई वन ऑल द वेजिटेबल्स केम टू द सेंटर एंड स्पोक अबाउट वाई दे शुड बी द किंग. तो सब आगे अपनी अपनी जगह पे सब कहने लगे, नहीं जी, मैं मुझे ही तो किंग बनना चाहिए क्योंकि मुझ में ऐसी क्वालिटी है. देन ओनली द ब्रिंजल वॉज लेफ्ट, ही सैट इन हिज प्लेस वॉचिंग ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन अराउंड हिम. तो उसके बाद ब्रिंजल ही खाली चुपचाप बैठे थे, वो देख रहे थे कि सब क्या कह रहे हैं. ओके, एट लास्ट ब्रिंजल डिसाइडेड टू स्पीक, ही स्टूड अप कॉन्फिडेंटली एंड इन अ कॉम वॉइस आस्क्ड, हैव यू ऑल फिनिश्ड योर बूस्टिंग, लुक एट मी क्लोजली नाउ. तो जो ब्रिंजल थे वो चुपचाप, तब तक चुपचाप बैठे थे, अब बोल पड़े. अब क्या कहा, ज़रा आप सब चुप रहेंगे, आपने तो आपका सबका हो गया, अपने अपने व्यूज दे दिए, आप मेरी भी ज़रा सुन लें. हु वट डू आई हैव ऑन माई हेड, क्या आप लोगों ने नहीं देखा मेरे सिर पे क्या है, कांट यू ऑल सी द क्राउन, क्या आप लोग नहीं देख पा रहे हैं कि मेरे सिर पे जो ताज रखा गया है, आई वॉज बॉर्न विद इट, यानि मैं तो पैदाशी बादशाह हूँ क्योंकि मेरे सर पे ताज है. जिसके सर पे ताज होता है, आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के बादशाह जो होते हैं ना, उनके सर पे ताज होता है. सो ब्रिंजल जो है उसके सर पे भी वो जैसा ताज होता है, तो इसलिए ब्रिंजल जो है वो आर्ग्यू कर रहा है सबसे, नहीं जी मुझे ही तो किंग बनना चाहिए बिकॉज मेरे सिर पे ताज है. आ
This is so simple. There is no confusion. Your king as no other vegetable was born with a crown on its head. तो इसमें तो कोई शक ही नहीं, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है कि कौन बन जाएगा किंग. मैं तो हूँ ही किंग. मैं तो पैदाइश से ही किंग हूँ. मेरे सर पे बाय बॉर्न ही ताज है, तो इसलिए मैं ही सबका किंग हूँ. Saying this, he sat down in the center like a king. वो तो यही कह रहा था और वो सेंटर में आ गए. क्यों सेंटर में आ गए? क्योंकि उनको लगा था कि मैं ही किंग बन चुका हूँ, मेरे सर पे ताज ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं ही सबका किंग हूँ. तो सब देखते ही रह गए. तो सब ने एक्सेप्ट किया कि ब्रिंजल जो है वो ही किंग है. ठीक है, तो आल इस फाइट में क्या है, इस फाइट में आप कौन जीत गए? ब्रिंजल जीत गए, क्योंकि उनके सर पे ऑलरेडी बॉर्न जो है ताज था, इसलिए वो बादशाह बन गए. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आ गई होगी. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, इसमें टफ वर्ड्स है, इनको आप मेमोराइज़ कीजिएगा. ठीक है, इससे आपकी वोकेबलरी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही. इस लेक्चर में आप इसी को रिवाइज़ करिएगा, इंशाल्लाह कल हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे. ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.